Hi friend, this is Atifa and welcome back to my favorite channel, Knowledge is Power. In this video, we are going to understand the NCERT solution of class 7 social science geography chapter number 1 which is environment. मैंने इसका lecture video बना दिया है. अगर आपने नहीं देखा तो जाके मेरे channel को visit कीजिए और देख लीजिए. तो चलते हैं अब हम लोग आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस को सॉल्व करने. पहला क्वेश्चन कहता है व्हाट इज एन इकोसिस्टम. सो द सिस्टम इन विच ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरैक्ट विद ईच अदर एंड विद द फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर्स ऑफ द एनवायरनमेंट इन विच दे लिव इज कॉल्ड एन इकोसिस्टम. इकोसिस्टम क्या होता है? जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से इंटरैक्ट होते हैं, इंटरलिंक होते हैं विद द हेल्प ऑफ फिजिकल और केमिकल फैक्टर्स की मदद से. एनवायरनमेंट के फिजिकल और केमिकल फैक्टर्स की मदद से वो इंटरलिंक होते हैं. मीन्स इफ आई टेक द एग्जांपल, ये है प्लांट और ये है डियर और ये है डियर और ये है लायन. तो डियर किस पे डिपेंड होंगे? प्लांट पे, और लायन डियर पे. तो ये क्या है? ए एनवायरनमेंट के फिजिकल और केमिकल फैक्टर पे ये सारे डिपेंड हो रहे हैं. तो हम लोग इसे क्या कहेंगे? इकोसिस्टम. द सिस्टम इज नोन एज इकोसिस्टम. अब लोग देखते हैं दूसरा हमारा दूसरा ये हो गया क्वेश्चन, दैट इज व्हाट डू यू मीन बाय नेचुरल एनवायरनमेंट. हम लोग नेचुरल एनवायरनमेंट से क्या समझते हैं? द एनवायरनमेंट दैट कंप्राइजेज ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट्स क्रिएटेड बाई नेचर इज कॉल्ड नेचुरल एनवायरनमेंट. इट इंक्लूड्स लैंड, एयर, वाटर, प्लांट्स एंड एनिमल्स. मीन्स कि एनवायरनमेंट जो वो एनवायरनमेंट जो कंप्राइजेस करता है, जो नेचर से हमें क्रिएटेड जो हमें नेचर से ऑब्टेंड होता है उसे हम नेचुरल एनवायरनमेंट कहते हैं. जो थिंग्स हमें नेचर से ऑब्टेंड होता है, जस्ट लाइक द एग्जाम्पल्स इज गिवन, लैंड, एयर, वाटर, प्लांट्स एंड एनिमल्स. अब हम लोग देखते हैं हमारा तीसरा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस का क्वेश्चन, विच आर द मेजर कॉम्पोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट. एनवायरनमेंट का मेजर कॉम्पोनेंट्स क्या होता है? हम लोग ने बताया था मैंने कि नेचुरल एनवायरनमेंट एक होता है, एक ह्यूमन एनवायरनमेंट होता है और एक ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट होता है. नेचुरल एनवायरनमेंट किसे कहते हैं? जो ऑब्जेक्ट्स हमें नेचर से ऑब्टेंड होता है. और ह्यूमन एनवायरनमेंट के में हम बात करते हैं ह्यूमन पॉपुलेशन का. फिर ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट में जो कि क्रिएट किया हुआ है ह्यूमन बींग से. अब फोर्थ हम लोग देखते हैं, जो फोर्थ है, अब फोर्थ है ये गिव फोर एग्जांपल्स ऑफ अ ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट. फोर एग्जांपल्स ऑफ द ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट आर बिल्डिंग्स, पार्क्स, इंडस्ट्रीज एंड रोड्स. ये सारे एग्जांपल्स हैं, आप इसे नोट डाउन कर लें. अब हमारा जो फिफ्थ क्वेश्चन है वो है व्हाट इज लिथोस्फीयर. लिथोस्फीयर क्या होता है? द सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड लिथोस्फीयर. मैंने लेक्चर्स वीडियो में भी बताया था कि जो सॉलिड क्रस्ट होता है और अर्थ का जो हार्ड टॉप लेयर होता है ना, अर्थ का हार्ड टॉप लेयर, उसे हम लोग लिथोस्फीयर कहते हैं. और ये जो है रॉक से और मिनरल से बना होता है और कवर किससे होता है? एक थिन लेयर ऑफ सॉइल से. और ये इरेगुलर सरफेस होता है. इरेगुलर सरफेस मीन्स कहीं पे ऊंचा पहाड़ होता है, कहीं पे प्लेट्यूज होते हैं, कहीं पे वैलीज होते हैं. ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अपना सिक्स्थ क्वेश्चन जो कि कह रहा है वंस मिनट, यस, वॉट आर द टू मेजर कॉम्पोनेंट ऑफ द बायोटिक एनवायरनमेंट. एग्जाम्पल देना है, तो एग्जाम्पल आपने दे दिया है प्लांट्स एंड एनिमल्स. अब है कह रहा है व्हाट इज बायोस्फीयर. बायोस्फीयर क्या है? एक नैरो जोन है अर्थ का जहाँ पे लैंड मिलता है, वाटर भी मिलता है, एयर भी मिलता है, वो आपस में इंटरैक्ट करते हैं, तो हम इसे कहते हैं बायोस्फीयर. द प्लांट एंड एनिमल किंगडम टुगेदर मेक अ बायोस्फीयर. जो प्लांट और एनिमल का जो किंगडम होता है ना, वो क्या टुगेदर क्या मेक करते हैं? टुगेदर वो बायोस्फीयर को मेक करते हैं. अब हम लोग देखेंगे टिक द करेक्ट आंसर. पहला क्वेश्चन है विच इज़ नॉट अ नेचुरल इकोसिस्टम. इकोसिस्टम तो जान गए, जो एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं. अब नेचुरल की बात करी जाए तो वो इकोसिस्टम जो नेचर से हमें ऑब्टेंड होता है. नेचर से नेचुरल इकोसिस्टम हो गया. और यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, तो मैं यहाँ पे इसे रेड से कर दूंगी. नॉट नेचुरल इकोसिस्टम नहीं है,
तो एक्वेरियम, एक्वेरियम नहीं है, नेचुरल, ये डिजर्ट है, डिजर्ट। देखिए ये डिजर्ट तो है, नेचुरल इकोसिस्टम फॉरेस्ट भी है, लेकिन करेक्ट आंसर इज एक्वेरियम जो कि नहीं है। अब है विच इज नॉट अ कॉम्पोनेंट ऑफ ह्यूमन इन्वायरमेंट। ह्यूमन इन्वायरमेंट का कॉम्पोनेंट कौन सा नहीं है, तो लैंड। लैंड जो है ये क्या है, ये है हमारा ह्यूमन मेड। क्लियर ऑफ यू। अब आगे बढ़ते हैं, विच इज अ ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट। आंसर है रोड। रोड, रोड किससे कौन बनाता है, रोड तो ह्यूमन ने बनाया है, तो आराम से हो गया आपका आंसर। विच इज अ थ्रेट टू इन्वायरमेंट, ग्रोइंग पॉपुलेशन। थ्रेट टू इन्वायरमेंट मतलब कि इन्वायरमेंट में बढ़ोतरी कब होगी, जब हमारा पॉपुलेशन ग्रो करता है तब होती है, डिमांड कब बढ़ती है, तभी बढ़ती है ना। अब हम लोग देखेंगे मैच द फॉलोइंग, हम लोग मैच करेंगे। अब देखिए हम कैसे मैच करते हैं। अब देखिए बायोस्फेयर, बायोस्फेयर नैरो जोन वेयर द लैंड वाटर एंड एयर एंड टैक्स, ये हो गया। एटमोसफेयर का क्या होता है, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया फर्स्ट। एटमोसफेयर क्या क्या होता है, ब्लैंकेट ऑफ एयर विच सराउंड्स द अर्थ। हाइड्रोस्फेयर डोमेन ऑफ द अर्थ, इन्वायरमेंट आवर सराउंडिंग्स, ये हो गया फोर्थ। मैं इसको अच्छे से, आपके आंसर आपके आपके सामने है, यहाँ पे आप देख सकते हो इन सारे के आंसर्स। अब यहाँ पे कुछ गिव रीजंस वाले टाइप्स के क्वेश्चंस आए हैं। गिव रीजंस, मैन मॉडिफाइज हिज इन्वायरमेंट, मतलब कि मैन क्यों इन्वायरमेंट को मॉडिफाई कर रहा है, चेंज कर रहा है। मैन मॉडिफाई हिज इन्वायरमेंट टू फुलफिल हिज नीड्स एंड मेक हिम्स लाइफ कंफर्टेबल। मैन क्यों मॉडिफाई कर रहा है इन्वायरमेंट को, ताकि वो अपने नीड्स को फुलफिल कर सके और वो अपना लाइफ एक कंफर्टेबल, एक आरामदायक से जी सके आराम से। फॉर एग्जांपल ही बिल्ड्स हाउसेस टू लिव एंड एस्केप कोल्ड वेदर, हॉट वेदर एंड रेन्स। हम लोग क्यों बनाते हैं हाउसेस, क्यों बनाते हैं कि हम लोग घर रह सके इस वेदर से, हॉट वेदर से, रेन से बच सके। ही बिल्ड्स इंडस्ट्रीज टू प्रोड्यूस गुड्स दैट आर नेसेसरी फॉर अ कम्फर्ट। ओके फ्रेंड्स, तो हम लोग क्यों बनाते हैं ये सारी चीज़ों से बचने के लिए। ही बिल्ड्स इंडस्ट्रीज टू प्रोड्यूस गुड्स दैट आर नेसेसरी फॉर अ कम्फर्टेबल लाइफ। फिर हम लोग इंडस्ट्री भी बनाते हैं किस लिए, कि हम लोग गुड्स को, सामान को प्रोड्यूस कर सके, ताकि जो कि हमारे लिए नेसेसरी है कम्फर्टेबल लाइफ जीने के लिए। ही बिल्ड्स रोड्स टू शॉर्टन द डिस्टेंस, रोड्स किस लिए बनते हैं कि डिस्टेंस जो है वो शॉर्ट हो सके। ही मॉडिफाइज हिज एनवायरनमेंट टू अडेप्ट टू द नेचुरल सराउंडिंग्स, हम लोग मॉडिफाई करते हैं एनवायरनमेंट को कि ताकि हम लोग नेचुरल सराउंडिंग्स को भी अडेप्ट कर सके और अपनी ज़रूरतों को भी फुलफिल कर सके। हाउएवर ऑल थ्रू हिज मॉडिफिकेशन ह्यूमंस आर अडॉप्टेड डिस्टर्ब द इकोलॉजिकल सिस्टम एंड हैबिटेट्स। ठीक है, तो हम लोग मॉडिफाई करते तो क्या होता है, ह्यूमंस क्या कर रहे हैं, इकोलॉजिकल सिस्टम और एनिमल्स के हैबिटेट्स को डिस्टर्ब कर रहे हैं। सेकेंड है प्लांट्स एंड एनिमल्स डिपेंड ऑन ईच अदर, गिव रीजन। तो हम इसे रीजन कैसे देंगे, प्लांट्स एंड एनिमल्स डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर देयर सस्टेनेबिलिटी, रहने के लिए। फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स आर द प्रोड्यूसर्स एंड एनिमल्स आर द कंज्यूमर्स। प्लांट्स क्या है, वो प्रोड्यूस करता है और एनिमल्स क्या है, वो कंज्यूम करता है। प्लांट्स दैट द प्लांट ऑल्सो प्रोड्यूस ऑक्सीजन थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस विच इज इनहेल्ड बाई ह्यूमन्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स क्या प्रोड्यूस करता है, ऑक्सीजन, जिसके ये इसके वजह से इस किसके प्रोसेस की वजह से, फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस करता है, तब उसकी दौरान ऑक्सीजन रिलीज होता है और जो कि इनहेल होता है ह्यूमन्स और एनिमल्स उसे इनहेल करते हैं। अब हम लोग देखेंगे ऑन अदर हैंड ह्यूमन्स एंड एनिमल्स गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड गैस थ्रू रेस्पिरेशंस विच इज़ यूज बाई प्लांट्स इन प्रोड्यूसिंग देयर फूड। देखिए ये हो गया पौधा। अब ये प्लांट जब फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से वो ऑक्सीजन देता है तो ये इनहेल करते हैं, फिर जब मैन एक्सहेल करते हैं तो ये फूड मेकिंग प्रोसेस में यूज़ होता है।
सो फाइनली हमारा जो NCERT सॉल्यूशन है हम लोग ने कर लिया. सो बाय बाय ऑल ऑफ यू, थैंक यू, टेक केयर एंड डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय चैनल टू ऑल योर फ्रेंड्स दैट योर फ्रेंड्स आल्सो एंजॉय. सो हम लोग मिलेंगे अब दूसरे वीडियो में. बाय बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर.